युवती से छेड़छाड़ का व्यापारी द्वारा विरोध करने पर व्यापारी की दुकान में पथराव कर किया घायल। शहर के सराफा बाजार में स्थित सूरज क्लॉथ एम्पोरियम की दुकान पर युवक द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है। इस दौरान व्यापारी ज्योति चंद जैन उम्र 55 साल को चोटें आई है। दोपहर करीब 2 बजे हुई इस घटना के विरोध में व्यापार संघ अध्यक्ष संजय जैन सहित अन्य पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर आरोपी आज शाम तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो कल से बाजार बंद रखेंगे। व्यापारी के साथ दिन दहाड़े मारपीट हुई है, लगातार चोरियां व्यापारियों की दुकानों में, लगातार मोटरसाइकिल की चोरियां, रेस्टोरेंट के बाहर से मोटरसाइकिल लगातार चोरियां हो रही है। पुलिस बिल्कुल नाकाम है, पुलिस की कोई गुंडा अपराधियों के ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई खौफ नहीं है, पुलिस का सरेआम मारपीट हो रही है। व्यापारियों ने कोतवाली पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि यहाँ से बाइक पर कुछ 2 युवक झगड़ रहे थे। आपसी कहासुनी के दौरान एक युवक उनकी दुकान पर आया और लठ मांगने लगा। इस दौरान व्यापारी द्वारा लठ मांगने पर मना करने पर वह आक्रोशित हो गया और व्यापारी पर पथराव कर दिया। इससे व्यापारी को चोटें आई है। इसके बाद सभी व्यापारी कोतवाली पुलिस में गए और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अभी एक कपड़े के व्यापारी के साथ सरेआम दिन में इतनी भीड़ भरे एरिया में सरेआम मारपीट हुई। ये व्यापारी क्या मतलब मार खाने के लिए या लूटने के लिए है? वैसे कोरोना से पिटा हुआ व्यापारी तो जैसे जैसे त्यौहार का दिन आया है और इस तरह से खौफ व्यापारी होगा तो ये चलेगा नहीं। हम आज इनको इतना समय देते हैं कि आज ही अरेस्ट करना और नहीं तो कल हम बाजार बंद। इस दौरान सब इंस्पेक्टर नारायण सिंह और पुलिस उप अधीक्षक नीरज कुमारी घटना स्थल पर पहुंची और व्यापारियों से बात कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देते हुए कहा है कि दुकानें खुली रखें। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।